सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ, कृपया सुनिए। जैसा कि हम सभी को पता है, आज 29 जुलाई इस दिन बन रहा है ब्रह्मा इंद्र योग, जाने व्रत पूजा से जुड़ी सही जानकारी। आज पद्मिनी एकादशी व्रत के लिए कोई चंद्र मास निर्धारित नहीं है। अधिक मास में पड़ने के कारण इस व्रत को अधिक मास एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। अधिक मास एकादशी आज 29 जुलाई को है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। एकादशी तिथि के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्मिनी एकादशी व्रत के लिए कोई चंद्र मास निर्धारित नहीं है। अधिक मास में पड़ने के कारण इस व्रत को अधिक मास एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी व्रत 3 वर्षों में एक बार रखा जाता है। माना जाता है कि यह एकादशी व्रत रखने से साधकों को पुण्य की प्राप्ति होती है। सावन अधिक मास की एकादशी तिथि की शुरुआत 28 जुलाई को दोपहर 2:51 से शुरू होती है। इसके साथ ही इस तिथि का समापन 29 जुलाई को दोपहर 1:05 पर हो जाएगा। ऐसे में पद्मिनी एकादशी व्रत 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को ही रखा जाएगा। एकादशी व्रत का महत्व बहुत कुछ है। पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी तिथि को बहुत ही अच्छा माना जाता है। एकादशी व्रत की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर सूर्यदेव को अर्घ्य देवें। इसके बाद में घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी जल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान के भजन या मंत्रों का पाठ करें। इस दिन एकादशी व्रत कथा सुने। भगवान को भोग लगाएं। इस पावन दिवस पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन करावें और उन्हें दक्षिणा दें। एकादशी व्रत द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में ही खोलना उचित रहता है। एकादशी की पूजन सामग्री में पान, लौंग, सुपारी, कपूर, पीला चंदन, अक्षत, पानी से भरा नारियल, पंचमेवा, कुमकुम, हल्दी, धूप, दीप, तिल, मिष्ठान, अनार, फल, फूल, घी, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, शहद और शक्कर, चावल, तुलसी, गोबर, केले का पेड़, मिठाई, मोली इत्यादि अवश्य रखें। इन चीज़ों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। एकादशी व्रत का नियम। एकादशी व्रत करने वालों को दशमी यानी एकादशी से एक दिन पहले से ही कुछ जरूरी नियमों का मानना पड़ता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को मांस मछली, प्याज, मसूर की दाल, शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों दिन लोगों को भोगलास से दूर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत उद्यापन। उद्यापन के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पूजन कितना भी बड़ा या छोटा हो सकता है, श्रद्धा के साथ इसे करना चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन किसी योग्य आचार्य के मार्गदर्शन में करना चाहिए। उद्यापन में 12 माह की एकादशियों के निमित्त 12 ब्राह्मणों को पत्नी सहित निमंत्रित किया जाता है। उद्यापन पूजा के में तांबे के कलश में चावल भरकर रखने चाहिए। अष्टदल का अमल बनाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का पोडसोपचार पूजन किया जाता है। पूजन के बाद हवन होता है और सभी ब्राह्मणों को फलाहार भोजन कराकर वस्त्र दान किया जाता है। एकादशी के व्रत का महत्व बहुत है हमारे जीवन में।
का जिस व्रत का पालन सच्चे मन से जो करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और व्रत आदि से मिलने वाले फल के समान फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत रखने से साधकों को श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है, सुनिए जरा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती हैं, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा भी बताई। भगवान कृष्ण बोले, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इस व्रत को करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ होता है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन ही व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जो चावल आदि का भोजन करके तथा नमक ना खाने का प्रण लेना चाहिए। इस कथा को आप पूरा सुनिए मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही सुंदर कथा है, कृपया आप सुनिए। एक राजा की कथा है जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने का निश्चय लिया था और उसके बाद में त्रेता युग में हेक नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां रानियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्य भर को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राज्य से पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न कर चुके थे। यही कथा इस में सुनाने जा रही हूँ, कृपया आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में सुनिए। और अच्छा लगे मेरा चैनल तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बस यही कहना चाहूँगी, और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा।